नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। पहले तो सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी हमारे भाई हैं और बहन हैं उन सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और आपकी जितनी भी मनोकामनाएँ हैं सारी मनोकामनाएँ पूरा होते रहे। और आज हम बात करने वाले हैं SSC CHSL एग्ज़ाम 2021 के बारे में। सभी को पता होगा कि आंसर की आ गई है और सभी लोग आंसर की को मैच कर लिए होंगे। दोस्तों आज हम बताएंगे कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप CBT 2 की तैयारी करिए। आपका यहां पर CBT 2 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। Tier 2 के लिए आप लोग अपीयर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग यहाँ पर अपना आंसर की मैच कर चुके हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो है मार्क्स शेयर करिएगा। कितने मार्क्स आपके काटने पीटने के बाद मार्क्स शेयर करिए, क्वेश्चन मार्क्स शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग गलत क्वेश्चन भी करे होंगे। तो प्लीज़ आपके काटने पीटने के बाद माइनस मार्किंग करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। पिछली बार की कट ऑफ को दिखाएंगे, जो पिछली बार की कट ऑफ आपकी Tier 1 में गई थी कितनी गई थी SSC CHSL की। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। एकमात्र चैनल जो आपको सही एवं सटीक जानकारी किसी भी टॉपिक से संबंधित, चाहे जो भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, हर एग्ज़ाम से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप Tier 2 में अपीयर हो जाएंगे, आप Tier 2 की तैयारी करिए। चलिए अब पहले तो ये देख लीजिए दोस्तों, जो आपका पिछली बार यहाँ पर Tier 1 की कट ऑफ गई थी उसको देख लीजिए। ये दोस्तों ऑफिशियल Tier 1 की कट ऑफ है जो पिछली बार गई थी। UR की बात कर लेते हैं और इस बार बता देना चाहता हूँ, ठीक है, इस बार आपकी कट ऑफ अगले बार से 10 से 12 नंबर कम रहने वाली है। क्योंकि इस बार क्या हुआ था, आपका जो पेपर का मॉडल बनाया था मॉडरेट टू बिल्कुल हार्ड था, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड था। और यहाँ पर तैयारी करने का, ठीक है, तैयारी करने का दोस्तों यहाँ पर मौका नहीं मिला था। और इस बार नॉर्मलाइजेशन बाबा बहुत हद तक दोस्तों यहाँ पर अलग ही रोल निभाने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन बाबा के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पिछले ईयर की कट ऑफ दीजिए देख लीजिए और इस बार भी आपकी जो कट ऑफ रहेगी इससे कम रहने वाली है। चलिए UR की बात कर लेते हैं। UR में अगर आपके 159 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, UR में पिछली बार क्या हुआ था, 159 नंबर कट ऑफ गई थी। SC की 136 नंबर गई थी, ST की 127 नंबर, OBC की 156, EWS की 149, ESM की 87, OH की 184, HH की 81 और VH की 123 गई थी दोस्तों ये, और PWD की 74 नंबर गई थी। ये दोस्तों आप पिछली बार की कट ऑफ देख लीजिए, जो पिछली ईयर की कट ऑफ गई थी आपकी SSC CHSL Tier 1 की। अब आइए हम बात करते हैं इस वर्ष की कट ऑफ। इस वर्ष की कट ऑफ दोस्तों आपको 10 से 12 नंबर यहाँ पर कम देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिलेगा, कोविड का पेंडेमिक था, पढ़ाई बहुत कम किए थे और सबसे ज़्यादा जो इस बार क्वेश्चन का लेवल था, अधिकतर स्टूडेंट को मैंने पेपर एनालिसिस भी किया था, वहाँ पर उनका कहना था कि सर इस बार पेपर का लेवल बहुत ही मॉडरेट टू हार्ड आया है। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ रहेगी अगली बार से 10 से 15 नंबर कम में रहेगी। अगर आपके इतने मार्क्स बने हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर CBT 2 की प्रिपरेशन करिए, इतने नंबर वालों का सिलेक्शन Tier 2 में हो जाएगा। चलिए UR की बात कर लेते हैं। UR में अगर आपके 142 नंबर बन रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके 142 नंबर बन रहे हैं तो 100% है, 100% है कि यहाँ पर आपका, ठीक है, 100% है कि आप Tier 2 के लिए अप्लाई हो जाएंगे। Tier 2 प्रिपरेशन करिए और आपका Tier 2 में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। OBC से बात कर लेते हैं। OBC से अगर आपके 140 प्लस बन रहे हैं तो बिल्कुल आप Tier 2 में अपीयर हो जाएंगे, आप Tier 2 की तैयारी करिए। SC से बिलोंग करते हैं, यदि 126 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप Tier 2 में अप्लाई हो जाएंगे, आप Tier 2 की तैयारी करिए। ST से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 110 नंबर बने तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप Tier 2 की तैयारी करिए। EWS की बात कर लेते हैं, तो यहाँ 140 नंबर बने तो बिल्कुल आपका Tier 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ मेल के लिए, ठीक है। फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल यहाँ पर, ठीक है, माइनस चार नंबर यहाँ पर कर दीजिए और -4-5 नंबर यहाँ पर कर लीजिए। फीमेल के दोस्तों 4-5 नंबर इससे कम रहने वाली है, ज़्यादा कम नहीं रहेगी। फीमेल की भी दोस्तों 137 रहेगी यहाँ पर जनरल में, और 135 से 34 रहेगी, 134 तक यहाँ पर रहेगी OBC, और 120 रहेगी दोस्तों SC में, और 105 रहेगी ST में, और EWS में 135 रहेगी। ये दोस्तों फीमेल की कट ऑफ है। कट ऑफ से दोस्तों मेल की कट ऑफ से 5 नंबर कम कर दीजिए, यहाँ पर आप लोगों की फीमेल की कट ऑफ आ जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो प्लीज आप Tier 2 की तैयारी करिए। और सबसे बड़ी दोस्तों जो जानकारी है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मेंशन करिए कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों इतनी ही जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।